सभी को सुप्रभात। मैं इस बार में भी बार सेकंड हिंदी साहित्य की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नीतिकालीन काव्य, जिसके अंतर्गत हमने केशव से लेकर रज्जब तक जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में कवि हैं उन सभी कवियों के पदों की हमने सहप्रसंग व्याख्या की। हमने सहप्रसंग व्याख्या की, उनके मुख्य जो प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों पर हमने भी क्या प्रकाश डाला। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी आपको व्याख्या सहप्रसंग व्याख्या करवाई उनके प्रश्न आपको बताए। एक एक प्रश्न, छोटे प्रश्न हो चाहे बड़े प्रश्न हो, व्याख्या हो, महत्वपूर्ण भाग जो व्याख्या का था वो आपको पूर्ण करवा दिया। भूषण कल हमारा पूर्ण हुआ। इस प्रकार से जैसे पद्माकर हो चाहे सेनापति हो, चाहे यहाँ पे आपके मतिराम हो चाहे गणानंद हो, जो भी आपके पाठ्यक्रम में अपने हैं हृदय की कुंडलियां रजब है, इनके सब पदों की व्याख्या जो व्याख्या एग्जाम में आएगी मुख्य रूप से उसको हमने यहाँ दो दो बार आपको श्याम पट पाकित करके आपको समझाया। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या आपको समझ में आई है। तो आगे हम केशव की काफी विस्तृत रामचंद्रिका है, इसी प्रकार गणानंद सुजान के प्रति जो स्नेह था कि सुजान से श्री कृष्ण की ओर उनका लगाव हुआ, सुजान को ही श्री कृष्ण मान लिया। इस प्रकार से सेनापति हैं, चाहे किसी की व्याख्या क्यों न हो हमें वो सभी व्याख्या पर हमने व्याख्या सहप्रसंग व्याख्या की है। तो आप भी उनको अच्छी तरह से पढ़े, उनके साथ प्रेम पाले, उनके साथ स्नेह करें व्याख्या के साथ, तो अपने आप ही याद हो जाएगी। हमारा पाठ्यक्रम में जैसे नीतिकाल काल कार्य है, इसका नामकरण रीति काल की परिस्थितियां, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, काव्य धारा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और छंद। कुछ भाग इसमें अभी तक हमारा शेष है जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं नायक भेद, नायक नायिका भेद, जिसमें हम नायक का भेद का वर्णन करेंगे और उसके बाद में हम छंद, छंद के प्रकार, छंद का जो रूप है लघु गुरु यति गति मात्रिक छंद वर्णिक छंद, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। इस प्रकार से नायिका का भेद, नायक के भेद, चार प्रकार के नायक है, नायिका नायक के भेद, नायिका के भेद, उस पर भी हम यहाँ श्याम पट पे अंकित करें। तो काव्य शास्त्र के आधार पर नायक के प्रमुख भेद, काव्य शास्त्र के आधार पर प्रश्न लिखी आप शास्त्र के लिखेंगे, काव्य शास्त्र के आधार पर नायक के भेद का प्रकाश डालिए। काव्य शास्त्र के आधार पर नायक के भेद है उस पर प्रकाश डालिए। अनुकूल नायक एक होता है, अनुकूल नायक जो अपनी स्त्री यानी नायिका के प्रति बहुत ही स्नेह रखता है और पर नायक से सदैव मुख रहता है, वो होता है अनुकूल नायक। सदा ही अपनी नारी ते राखे अति ही प्रीति, पर नारी से विमुख रहे सो अनुकूल सुरीति। सच में इसका उदाहरण है वो भी याद करें, असम सहय करते फिरते इनके जो उदाहरण दिए है उसको याद करेंगे याद हो जाएगा। बस अभ्यास करने की आवश्यकता है, कर कर अभ्यास धर्मति हो सुजान। अनुकूल नायक इसी प्रकार दक्षिण नायक जो बहुत सी नारियों के समान समान प्रेम प्रदर्शित करता है और एक बांतिन तीन सोजा के हो स्नेह है, सो दक्षिण मतिराम कहे वर्णत सोए मति के है,
ये नायक हैं उसमें भेद करेंगे। तो हम श्री शुरू करते हैं नायक काव्य शास्त्र के आधार पर नायक के प्रमुख भेद को स्पष्ट कीजिए। तो मैं साथ साथ में यह श्याम भट्ट पे अंकित करूंगा और साथ साथ में आप उसको अपने रजिस्टर में अंकित करेंगे। तो आने वाला जो प्रश्न होगा मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछा जाता है नायक और नायिका के भेद। असल सा प्रश्न है, बीसन का प्रश्न आता है, तो उसमें अपने किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। तो शुरू करें नायक के भेद। देखो काव्य में आत्म पत्र के रूप में काव्य में आत्म पत्र के रूप में आत्म पत्र के रूप में रस को पदार्थ माना जाता है। रस को प्रधान माना जाता है। कहते हैं काव्य में आत्म पत्र के रूप में रस को प्रधान माना जाता है। रस का अलंकन, रस का अलंकन या मुख्य आधार, या मुख्य आधार, मुख्य आधार नायक होता है। नायक होता है काव्य में आत्म तत्व के रूप में रस को क्या माना जाता है? प्रधान माना जाता है। फिर बताया कि रस का आलंबन या मुख्य आधार नायक होता है। काव्य में वर्णित कथानक, काव्य में वर्णित कथानक का प्रधान पुरुष काव्य में वर्णित कथानक का प्रधान पुरुष नायक कहलाता है। नायक कहलाता है। नायक के चरित्र अथवा कार्य को नायक के चरित्र या कार्य को केंद्र में रखकर, केंद्र में रखकर नायक के चरित्र या कार्य को केंद्र में रखकर कथानक का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। देखो काव्य में आत्म तत्व के रूप में रस को प्रधान माना जाता है। इसी प्रकार रस का आलंबन या मुख्य आधार क्या होगा? नायक होता है। काव्य में वर्णित कथन का प्रधान पुरुष नायक कहलाता है। नायक के चरित्र या कार्य को केंद्र में रखकर ही कथानक का क्या होता है? निर्माण होता है। ये आपने लिखा। अब लिखिए नायक का लक्षण। नायक के लक्षण, नायक के लक्षण जैसे अनुकूल नायक सदा ही अपने नायक के रखे अति प्रीति परंदारी से विमुख रहे सो अनुकूल की प्रीति, ये अनुकूल नायक होता है। इसी प्रकार जो नायक है उनका लक्षण क्या है? नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में बातमुनि ने नायक का लक्षण देते हुए कहा, नायक का लक्षण देते हुए
छात्रों ने कहा कि जो अनेक युक्ति जो अनेक व्यक्ति और अद्भुत पुष्प में और अद्भुत पुष्पों के बाहुबल बाहुबल से युक्त हो से क्या हो युक्त हो जो पुरुष बोरी आदस जिसमें नहीं व्यक्ति आने पर उस व्यक्ति का क्या करे सामना करे और उसमें बाहुबल हो बोझाओं में क्या हो बल हो अन्य से क्या हो श्रेष्ठ हो वो होता है लक्षण का ये लक्षण है सॉरी नायक का ये लक्षण है ये किसने बताया नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसमें भरतमुनि ने नायक के लक्षण बताए हैं तो चलिए आगे बताया कि देखो नायक का तो प्रश्न बनेगा काव्य शास्त्र के आधार पर नायक ने इस पर प्रकाश डाली तो काव्य में आत्म तत्व के रूप में किसको माना जाता है रस को प्रधान माना जाता है उसी प्रकार रस का जो आलंबन या मुख्य आधार क्या होता है नायक होता है काव्य में वर्णित कथानक का प्रधान पुरुष नायक कहलाता है ये हुआ नायक फिर नायक के चरित्र या कार्य को केंद्र में रखकर चरित्र या कार्य को केंद्र में रखकर कथानक का निर्माण होता है नाट्य शास्त्र में भरतमुनि ने एक क्या लक्षण बताया नायक के लक्षण देते हुए कहा जो अनेक देश बुरी आदत से या व्यक्ति और अद्भुत पुरुषों के बहुबल से क्या हो युक्त हो ऐसा हो बहुबल से युक्त हो यानी कि स्वाभाविक लक्षण उसमें होने चाहिए और यानी कि उन लक्षणों से वो मंडित सुसज्जित हो उसको बोलते हैं इसी प्रकार लक्षण आता है ऋषभनाथ ने ऋषभनाथ का साहित्य दर्पण ग्रंथ है साहित्य दर्पण एक बार मिला दीजिए इसको ऋषभनाथ का साहित्य दर्पण ग्रंथ आता है उसमें भी नायक का भेद का वर्णन किया है देखो आगे बताता कि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य इनका जो आचार्य विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है ग्रंथ है इसमें क्या बताया है कि हिंदी में आचार्य नायक का लक्षण संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार दिया तो संस्कृत में लक्षण बताए नायक के उसी प्रकार हिंदी में भी इनका लक्षण दिया चिंतामणि केशव मतिराम ये जो आचार्य हुए सभी ने यही कीर्ति का अपनाया जो संस्कृत के आचार्य ने अपनाया था आचार्य केशव ने रसिक क्रिया में नायक का लक्षण दिया केशव की जो रसिक क्रिया है उसमें भी नायक के लक्षण दिए उसी प्रकार रेती काल के कुछ आचार्य नायकों का वर्गीकरण को स्पष्ट किया तो आचार्य भरतमुनि ने जैसे बताया आचार्य भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में अभिनय की दृष्टि से नायक के चार भेद किए भरतमुनि ने देखो आचार्य भरतमुनि ने आचार्य भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में आचार्य भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में अभिनय की दृष्टि से किसकी दृष्टि से अभिनय की दृष्टि से
चार भेद किए। अभिनय की दृष्टि से कितने भेद किए हैं? चार भेद किए हैं। पहला भेद देखें, धीरोदात पहला है, धीरोदात दूसरा है, धीरोदत्त धीरोदत्त और तीसरा है जो धीर ललित और चौथा अंतिम जो बताया है धीर प्रशांत। अभिनय की दृष्टि से चार जो वेद की हैं, पहला है धीरोदात धीरोधत्त कौन सा धीरो सॉरी धीरोधत्त धीर ललित धीर प्रशांत नोट कर लो उसको, धीरोदात धीरोधत्त धीर धीर ललित और धीर प्रशांत ये है अभिनय की दृष्टि से वेद किए आचार्य भट्ट मुनि ने नाट्य शास्त्र में। इसी प्रकार जो इसके अतिरिक्त नायक के इसी अतिरिक्त नायिका के प्रति जो व्यवहार रखने वाले किसके प्रति नायिका के प्रति जो व्यवहार रखने वाले चार प्रकार के नायकों का वर्गीकरण किया, उत्तम मध्यम अधम कौन सा उत्तम मध्यम अधम उत्तम मध्यम अधम और इसी प्रकार उन्होंने उत्तम मध्यम और अधम कोटि के तीन भेद और बतलाए। ये तीन भेद बतलाए हैं, ये है नायिका के प्रति नायक का जो व्यवहार है उसके प्रति रखने वाले व्यवहार। तो नीतिकालीन कवि आचार्य ने जैसे केशवदास नंददास देव उपयुक्त परस्पर उनका क्या किया परंपरा का अनुसरण किया और कुछ आचार्यों ने भानुदत्त की रसमंदरी भानुदत्त की रसमंदरी के आधार पर नायिका के भेद व दूसरा भी प्रकार अपनाया। तो व्यवहार के आधार पर अब आगे चले अपने व्यवहार के आधार पर नायिका नायक के भेद राखे अति प्रीति
लिखते। ये उदाहरण लिखो, सदा अपने नारी से आती अति ही प्रीति, पर नारी से विमुख रहे। सदा अपने नारी से राखे अति प्रीति, असंभव है या क्या है? अपने नारी से क्या रखता है अपनी स्त्री या नायिका से, जो प्रेम रखता है पर नारी से विमुख रहता है, तो वो होता है अनुकूल नायक। ये सर्वश्रेष्ठ नायक यही है अनुकूल नायक। अब दूसरा है जो दक्षिण नायक, देखें दूसरा दक्षिण नायक, दूसरा कौन सा है? दक्षिण नायक यहां लिखते हैं, दूसरा है जो दक्षिण नायक में क्या होते हैं, जो बहुत सी नारियों के से समान प्रेम प्रदर्शित करता है। नई नायिका के प्रेम होने पर पूर्व नायिका के प्रति प्रेम व्यवहार में कभी नहीं आने देता, उसे दक्षिण नायक कहते हैं। देखो, ऐसा नायक जो सभी नारियों से प्रेम रखता है, जो सभी नारियों से क्या रखता है, बहुत सी नारियों के समान प्रेम प्रदर्शित करता है। और अर्थात नई नायिकाओं से जो प्रेम किया वैसा ही प्रेम पहले नायिका से जो लगाव रखा वैसा ही प्रेम उनके साथ है, क्योंकि आया है समान प्रेम प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं दक्षिण नायक। और मतिराम ने रसराज ग्रंथ में इसका लक्षण दिया, मतिराम ने इनका लक्षण दिया, क्या दिया कि एक बाल्टी सब 300, एक बाल्टी सब 300, एक बाल्टी सब 300 जाको हुए सने हैं, जाको हुए सने हैं, एक बाल्टी 300 जागो हुए समय है, सो दक्षिण मतिराम कही, सो दक्षिण मतिराम कही, सो दक्षिण मतिराम कही, बरनत है मट्टी ये है, बरनत है मती के क्या बताया, ये पंक्ति सन 300 जाको है सने है, सो दक्षिण मतिराम कही, बरनत है मती ये है। तो ये हुआ कौन सा दूसरा नायक, दक्षिण नायक। इसमें बताया जो बहुत सी नारियों के साथ समान प्रेम प्रतिष्ठ करता है, अर्थात पूरे में आई नायिका के समान दूसरी सभी नारियों के समान करता है। तो रसराज में मतिराम जी का ग्रंथ है रसराज, उसमें ये वर्णन बताया, एक बाकी सब 300 जाको के सने है। तो हमने आज शुरू किया है नायक नायिका भेद, इसके बाद में हम करेंगे रस को, उसके बाद में हम इन युतिकालीन परिस्थितियों का वर्णन, नामकरण का वर्णन करते जाएंगे, इसके बाद में स्नान शुरू करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।